हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो गेट का कंपलसरी सेक्शन है उसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी के लिए सेम होता है, वो कोई भी स्ट्रीम हो आपकी। तो इसके प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट खुद आईआईटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप खुद आईआईटी की वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और एक जो है वो सिंपल वाला आता है। तो 10+2 की आपने बुक्स पढ़ रखी होंगी, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ लेना, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन आया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, बायोलॉजी का। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी था उसमें, सरकारी कमीशन की जो है वो रिपोर्ट किसके लिए थी ऐसा भी था। तो एक ओवरव्यू आप ले लेना। वैसे अगर मैं कहूँ तो आप ये जो क्वेश्चंस होते हैं 40 क्वेश्चंस, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपने 10+2 लेवल का पढ़ रखा है। ठीक है, एक उसमें इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट था, क्वेश्चन था जिसमें कि एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन दे रखी थी। बाकी उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, कोई आपको उसमें सी सेट का प्रिपरेशन नहीं करना है, यूपीएससी का कुछ नहीं करना है, और उसमें कोई बैंकिंग का कोई क्वेश्चन नहीं करना है, रीजनिंग कोई उसमें वो नहीं आएगी जो आपकी ग्राफिकल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था, बट उसमें इंपॉर्टेंट जो एम्फोसिस दिया गया था आईआईटी की तरफ से वो था रीजनिंग का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, रीजनिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। तो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्होंने पता है आईआईटी में क्या करा था, उन्होंने एक खास बात ये करी थी कि जो टॉपिक्स थे उनका सोर्स दे रखा था, कहाँ से जो है पैराग्राफ लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक उसमें था, एक मिंट का था, एक इंडियन एक्सप्रेस का था। तो आप न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ते रहा करो, इंग्लिश आपकी जो है वो रीडिंग हैबिट अच्छी रहेगी, एनालिसिस आप करने की कंडीशन में होगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप जानते हो कि आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने रीडिंग कर रखी है। तो रीडिंग पर काफ़ी फोकस किया था, रीडिंग पर, प्लीज़ नोट दैट, मेमोरी पे नहीं, रट्टा मार पे नहीं, और फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम नहीं, रीडिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स थी उसमें। तो आगे हम और डिस्कस करेंगे, ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।